फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको CCRAS का पेपर हुआ था नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए 18 दिसंबर 2019 को, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की है जो CCRAS ने रिलीज़ की हुई है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये है CCRAS की ऑफिशियल आंसर की। इसके पहले मैं मेमोरी बेस्ड आंसर की भी पब्लिश कर चुकी हूँ। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत ही टफ पेपर आया हुआ था। इसमें जो भी क्वेश्चन है जिनका आगे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी किसी भी स्टेट के लिए हो, चाहे वो एम्स के लिए हो, CHO के लिए हो, या फिर किसी भी हॉस्पिटल के लिए नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, तो इसमें क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इमीडिएट एक्शन टू कंट्रोल सीवियर ब्लीडिंग इज, तो इमीडिएटली क्या एक्शन लिया जाएगा यदि किसी को सीवियरली ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पर आपको अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर यूजिंग हैंड और क्लॉथ, जिस भी पॉइंट पर ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रेशर लगाना है हैंड या फिर क्लॉथ से, ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टेप वॉर्म इन्फेक्शन, तो टेप वॉर्म इन्फेक्शन के लिए कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो टीनिया सोलियम। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ दीज आर मसल्स ऑफ मास्टिकेशन एक्सेप्ट, तो यहाँ पर मास्टिकेशन के लिए सभी मसल्स यूज होती हैं बट किसी एक को छोड़कर, तो वो है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल। नेक्स्ट इज ऑल दीज आर द राइट्स ऑफ डेलीगेशन एक्सेप्ट, तो सभी राइट्स एंड डेलीगेशन के लिए बट किसी एक को छोड़कर, तो राइट प्लेस। नेक्स्ट इज इंसुलिन 10 यूनिट इन 50 ml ऑफ 50% डेक्ट्रोस इज प्रिस्क्राइब फॉर अ पेशेंट विच क्रॉनिक रीनियल फेलियर टू रिवर्स, तो एक 10 यूनिट जो इंसुलिन है 50 ml में जो 50% डेक्ट्रोज है उसमें दिया जाएगा एक पेशेंट को जिसको क्रॉनिक रीनियल फेलियर की कंडीशन है, तो एक किस इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा हाइपरकैलेमिया के लिए। नेक्स्ट इज अ डाइंग पेशेंट इज रिजर्व्ड एंड डिप्रेस्ड, द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इज, तो एक डाइंग पेशेंट है वो रिजर्व नेचर में और डिप्रेशन में भी है, तो उसके लिए एक मेन नर्सिंग एक्शन है जो क्या रहेगा, अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, तो होगा एक्सेप्टिंग द पेशेंट बिहेवियरल अडेप्टेशन। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड विद चिकन पॉक्स हैज टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन टू स्कूल टिल, तो यहाँ पर एक बच्चा है जिसको चिकन पॉक्स है, तो उस बच्चे को आइसोलेट करके रखना है दूसरे बच्चों से, स्कूल जाने वाला जो स्कूल जाता है बच्चा, तो उसको स्कूल जाने से रोकना है, तो कब तक उसको आइसोलेट करके रखना है, जब तक जो स्कैब्स हैं वो फॉल ऑफ ना हो जाए, तो हियर इज द आंसर इज डी द स्कैब्स फॉल ऑफ। नेक्स्ट इज ऑल आर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन एक्सेप्ट, सभी फैक्टर हैं जो सोशलाइजेशन के इन्फ्लुएंस करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में बट किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या लॉ। नेक्स्ट इज अ 45-year-old मैन ऑफ 5'1.6 meter वेट 70 kg कैलकुलेटेड BMI 27.3 ही इज क्लासीफाइड, तो एक 45 साल का ओल्ड मैन है, उसकी हाइट 1.6 meter वेट 70 kg 70 kg है, तो उसकी जो BMI कैलकुलेट की गई वो कितनी आई 27.3, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, नॉर्मल तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा सीप्री ओवेज, आफ्टर 28 के बाद है जो ओवेज में रखा जाता है। नेक्स्ट इज एन इंडिकेशन फॉर प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज, तो प्राइमरी जो इंडिकेशन है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए जो प्राइमरी इंडिकेशन यहाँ पर क्या होगा, तो मेजर डिप्रेशन विथ साइकोटिक फीचर्स। नेक्स्ट इज द फिजिकल असेसमेंट ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ फीमोरल पल्सेस, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट साइन ऑफ, तो एक न्यू बॉर्न के लिए फीमोरल पल्स चेक की है, तो उसके लिए क्या है एब्सेंस फील हो रही है फीमोरल पल्स, तो एक किस टाइप का सिग्निफिकेंट साइन होगा, तो होगा कोरेक्शन ऑफ द aorta। नेक्स्ट इज अ लीडरशिप थ्योरी दैट प्रोपगेट्स द लीडर टू बी गाइड फॉर द एम्प्लॉयज to help them acquire pride in the work and to inspire them to be activity engaged to achieve the mission and goals of the organization, इस तो ये
लीडरशिप थ्योरी किस टाइप की थ्योरी है? ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी. नेक्स्ट इज विच एक्शन कन्फर्म्स दैट द नर्स इज यूजिंग जेट टेक्निक टू एडमिनिस्टर आयरन इंजेक्शन. तो इसमें जेट टेक्निक के लिए जो नर्स है जेट टेक्निक यूज कर रही है आयरन इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो कौन सा एक्शन कन्फर्म करेगा कि जेट टेक्निक है सही तरीके से यूज की जा रही है? पुल्स स्किन डाउनवर्ड और लेटरली बिफोर इंसर्टिंग द निडल. नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल फॉर सुपरफिशियल रिफ्लेक्स. तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है? तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स. नेक्स्ट इज एन एथिकल प्रिंसिपल दैट ऑब्लिगेट्स फेथफुलनेस टू कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज. तो ये कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है? फिडेलिटी प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द स्टेटेड हाइपोथीसिस. वुमेन हुज पार्टनर्स अटेंड लेबर एंड डिलीवरी वुड नीड लेस पेन रिलीविंग मेडिकेशन देन वुमेन हु वेयर अलोन इज. तो एक हाइपोथीसिस लिखी गई है. तो उसमें जो वुमेन है उसका पार्टनर है जो लेबर में अटेंड करने के लिए आया है लेबर डिलीवरी के टाइम पर, और उसके लिए जो लेस कम पेन हो ऐसे मेडिकेशन दिए जाएंगे. तो किस टाइप की हाइपोथीसिस में आएगा? तो आएगी सिंपल में. नेक्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन अ नर्स कैन यूज वाइल टीचिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेज. तो एक नर्स के लिए कौन सी मेथड सबसे सही रहेगी जब एक पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज सिखाएगी? तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होगी डिमॉन्स्ट्रेशन की, वो सामने करके उसको दिखाए वैसे ही. नेक्स्ट इज द मीडिया यूज्ड टू ग्रो फास्टेडियस बैक्टीरिया इज. कौन सा मीडिया यूज किया जाएगा? तो होगा चॉकलेट अगर. नेक्स्ट इज द पेशेंट हैज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिस्निया डिपेंडेंट एडिमा क्रैकर्स हेपेटोमेगाली एंड जुगलर वेन डिस्टेंशन. द पॉसिबल क्लिनिकल कंडीशन दैट द नर्स शुड सस्पेक्ट इज. तो ये सभी सिम्टम किसके हैं? कार्डियक फेलियर के. डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, डिपेंडेंट एडिमा भी देखने को मिल रहा है, क्रैकल्स साउंड भी आपको सुनाई दे रहा है, और हेपेटोमेगाली भी देखने को मिल रही है, साथ में जुगलर वेन डिस्टेंशन भी है. तो ये सभी सिम्टम किसकी तरफ इशारा करते हैं? ये सभी सिम्टम इशारा करते हैं हार्ट फेलियर की तरफ. नेक्स्ट इज हु इज द टाइप ऑफ फ्रैक्चर दैट अकर्स इन चिल्ड्रन वेयर द बोन इज बेंट बट नॉट ब्रोकन. तो ये कहलाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज अ विटामिन दैट फंक्शंस लाइक एस्ट्रॉइड हार्मोन. तो विटामिन डी है जो एज एस्ट्रॉइड हार्मोन की तरह काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल टू मूव एन अनकॉन्सियस पेशेंट. तो कौन सी टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगी अनकॉन्सियस पेशेंट को मूव करने के लिए? तो वो कि इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर. नेक्स्ट इज वाइल इवैल्यूएटिंग द पेशेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पैंक्रीटाइटिस नर्स शुड ऑब्जर्व फॉर. तो एक पेशेंट जिसको एक्यूट पैंक्रीटाइटिस की कंडीशन है तो उसको कौन सा कॉम्प्लिकेशन इवैल्यूएट करेगी एक नर्स? तो करेगी डिक्रीज द यूरिन आउटपुट. नेक्स्ट इज द परमिसिबल लेवल ऑफ रेडिएशन पर ईयर टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड. तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 5 रेड. नेक्स्ट इज द स्टैटिकल मेजर एनोवा इज यूज टू टेस्ट वेदर और नॉट द मीन्स ऑफ मोर देन 2 सैंपल आर इक्वल्स. तो ये इसमें एक्चुअल में जो रिसर्च के क्वेश्चन आए थे वो अच्छे क्वेश्चन आए थे जो प्रीवियसली कभी भी एग्जाम में नहीं आए हैं. नेक्स्ट आया था केमिकली डिफाइंड डिटर्मिनेंट दैट चेंज इनटू कंप्लीट एंटीजन और कंबाइनिंग विथ अ कैरियर मॉलिक्यूल्स. तो ये क्या है? हेप्टेंस. नेक्स्ट इज द मिनरल दैट रेगुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन इज. तो मैग्नीशियम है जो ऐसा मिनरल है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व ट्रांसमिशन दोनों के लिए हेल्पफुल रहता है. नेक्स्ट इज अ यंग लेडी स्पेंड सेवरल आवर इन ऑर्गेनाइजिंग रिकॉग्नाइजिंग एंड चेकिंग द ऑर्डर लाइन्स ऑफ हर क्लॉथिंग कैबिनेट हर बिहेवियर इंडिकेट्स. तो ये सभी चीज़ें हैं, मीन्स किसी चीज़ को बार बार देखना और उसको फिर से रीचेक करना. तो ये किस में आते हैं? आते हैं कंपल्सन में. करेक्ट आंसर इज डी, कंपल्सन. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट दैट नोटिफाइज द सेंट्रल वीनस कैथेटर केयर दैट इंक्लूड्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूबिंग चेंज टाइप ऑफ फ्लूड यूज ऑफ फॉर फ्लशिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रेसिंग चेन टाइप ऑफ ड्रेसिंग मटेरियल टू बी यूज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ केयर इज. तो ये सभी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट नोटिफाई किया जा रहा है कि उसमें सेंट्रल वीनस कैथेटर की केयर कैसे की जा रही है, ट्यूब कब चेंज की जा रही है, फ्लूड
यूज़ करने के बाद कितनी देर बाद फ्लश किया जा रहा है, सभी चीज़ें किस में आते हैं प्रोटोकॉल्स में। नेक्स्ट इज द स्पेसिमेन कलेक्शन दैट डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक इज, तो यहाँ पर कौन से स्पेसिमेन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक की, तो वो होगा स्टूल फॉर ओवा एंड पैरासाइट्स। नेक्स्ट इज कंसीडरिंग द लीडरशिप स्टाइल द टर्म दैट सीट्स अ डेमोक्रेटिक लीडर इज, तो वो होगा कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट इज द स्टेपल फूड ऑफ ब्लेजर्स ऑफ 3000 पॉपुलेशन इज मैजे द ब्लेजर्स आर एट रिस्क फॉर, तो 3000 पॉपुलेशन है जो मैजे खा रही मक्का ले रही है उसी पर डिपेंडेंट है, तो उन लोगों को क्या डिसीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों, तो होगी पेलाग्रा। नेक्स्ट इज वाइल प्रिपेयरिंग अ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एमनियोसिंथेसिस द नर्स शुड, तो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए नर्स है जो एमनियोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रेडी कर रही है, तो उसके लिए नर्स है जो क्या कहेगी, तो उसके लिए इंस्ट्रक्ट हर टू वॉइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इन एन इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शन, इनमें से कौन सा है जो इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शन है, असिस्टिंग अनदर नर्स टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, ये उसका इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शन है। नेक्स्ट इज द डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय अ लेडी हु इज अनेबल टू बियर अ चाइल्ड एंगेज सेल्फ इन वर्किंग विद चिल्ड्रन इज, तो ये आएगा सबलिमेशन में। नेक्स्ट इज इन एन ECG द कॉस्ट फॉर टी वेव इज, तो ECG में टी वेव है जो क्या शो करती हैं, तो ये करती हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। नेक्स्ट इज एन अनरिस्पॉन्सिव चाइल्ड इज लाइंग ऑन द फ्लोर यू शाउट फॉर हेल्प अ चेक सो दैट द चाइल्ड इज नॉट ब्रीदिंग द इमीडिएट एक्शन विल बी, तो एक जो अनरिस्पॉन्सिव चाइल्ड है फ्लोर पर आपको लेटा हुआ दिख रहा है और आप दूसरों की हेल्प के लिए चिल्ला भी रहे हैं, तो आप उस बच्चे की देखते हैं कि ब्रीदिंग है जो सो नहीं हो रही है, चेक करेंगे तो ब्रीदिंग प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो आप उसको फर्स्टली इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे, गिव एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट इज द बैक प्रेशर आर्म लिफ्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज नोन एज, तो ये कौन सी मेथड है, हॉलगर नीलसन मेथड। नेक्स्ट इज एन एनर्जी एंग्री नर्स डिफेंड्स द पेशेंट थ्रू हर कॉमेंट दैट ही इज रूड एंड डोमिनेटिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एंग्री नर्स है जो पेशेंट के लिए कमेंट कर रही है और रूडली बिहेव कर रही है, तो किस टाइप का एग्जाम्पल होगा, अगर स्लेंडर। नेक्स्ट इज एन अनइम्यूनाइज प्रेगनेंट वुमेन रिपोर्ट्स फॉर वैक्सीनेशन और 20 डेज प्रायर टू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी द नर्सिंग एक्शन विल बी टू, तो एक अनइम्यूनाइज प्रेग्नेंट लेडी है जो रिपोर्ट करती है को उसको कभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और 20 दिन पहले ही EDD के अपनी जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की डेट है उसके 20 दिन पहले ही, तो उसको फर्स्ट नर्सिंग एक्शन आप क्या लेंगे, गिव वन डोज ऑफ टेटनस टॉक्साइड एंड एडवाइज द सेकेंड डोज आफ्टर द डिलीवरी, तो उसको उस टाइम पर आप एक डोज देंगे TT का और उसके बाद एडवाइज करेंगे कि सेकेंड डोज है जो आपका डिलीवरी के बाद दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल साइन दैट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज, तो क्लिनिकल साइन क्या रहता है जब सेकेंड स्टेज स्टार्ट होने वाली होती है, तो वो होते बियरिंग डाउन द रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज द अलर्ट साइन फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अलर्ट साइन क्या होता है, तो एबडोमिनल पेन वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। नेक्स्ट इज अ मदर इन प्रीटर्म लेबर रिसीव्स इंजेक्शन बीटामेथासोन 12 mg, द एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज, तो जो बीटा मेथासोन इंजेक्शन दिया गया है एक नर्स एक मदर को प्रीटर्म लेबर के लिए, तो इस ड्रग का है जो मेन एक्शन क्या रहेगा, तो ये होगा प्रमोट द फीटल लंग मैच्योरिटी। नेक्स्ट इज अराइविंग एट अ जनरल कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन इज, तो ये होगा इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन दैट ब्लोस फ्रेश एयर इनटू द रूम बाय सेंट्रीफ्यूगल फैंस टू क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर एंड डिस्प्लेस द वेंटिलेटेड एयर इज, तो ये किस टाइप के वेंटिलेशन में आएगा कि जब जो फ्रेश एयर है उसको रूम में लाया जाएगा और जो सेंट्रीफ्यूगल फैंस के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेनर वेंटिलेशन। नेक्स्ट इज हार्ड चैंकर अपियरेंस इन विच स्टेज ऑफ सिफिलिस, तो ये किस स्टेज में देखने को मिलेंगे सिफिलिस की, तो ये मिलते हैं प्राइमरी स्टेज में। नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड बी चेक्ड बाय द नर्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिथियम टू अ,
तो लिथियम एडमिनिस्टर करने के पहले है जो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करना चाहिए नर्स को, तो होगा सोडियम. नेक्स्ट इज इफ द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम डेंगू इज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू द टोटल मीडियल पॉपुलेशन इज द, तो ये होगा कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट. नेक्स्ट इज अ कल्चरल बैरियर फॉर कम्युनिकेशन इज, तो कल्चरल बैरियर क्या होगा कम्युनिकेशन के लिए, तो होगा सोशल क्लास डिफरेंसेस. नेक्स्ट इज स्टेटस अचीव्ड बाय द इंडिविजुअल बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ इज नोन एज, तो किस टाइप का स्टेटस कहलाए, ये कहलाएगा एस्क्राइब्ड स्टेटस. नेक्स्ट इज द इरेशनल एंड इंटेंस फियर ऑफ ट्रेवलिंग इज, तो इरेशनल और इंटेंस फियर ट्रेवल करने से जो डर लगेगा तो क्या कहला, तो कहलाता हॉर्डोफोबिया. नेक्स्ट इज ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ फिनोमोलॉजिकल स्टडी एक्सेप्ट, तो ये होगा एमिक एटिक प्रस्पेक्टिव, ये फिनोमोलॉजिकल स्टडी के फीचर्स नहीं है. नेक्स्ट इज द टेम्प्ररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो वाटर में जो टेम्प्ररी हार्डनेस प्रेजेंट रहती है किसके कारण होती है कैल्शियम बाई कार्बोनेट के थ्रू. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी स्ट्रेसर, सेकेंडरी स्ट्रेसर क्या है, तो ये है पेन. नेक्स्ट इज ऑल ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सेप्ट, तो यहाँ पर सभी पॉइंट हैं जो ग्राउंड वाटर के कैरेक्टर फीचर्स हैं बट किसी एक को छोड़कर, तो होगा मोर प्रोन फॉर कंटामिनेशन देन सरफेस वाटर. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अ पर्सन एक्सपीरियंस व्हेन ही हैज टू जॉब ऑप्शन, वन फार अवे विथ गुड सैलरी पैकेज एंड वन नियर विदाउट स्कोप फॉर ग्रोथ इज, तो होगा डबल अप्रोच अवॉइडेंस. मीन्स एक पर्सन है उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसको दो जॉब के लिए ऑप्शन मिले हैं, एक जॉब कैसी है वन फार अवे विथ गुड सैलरी पैकेज, जो दूर है लेकिन सैलरी पैकेज अच्छा है, दूसरी क्या है पास में है लेकिन ग्रोथ स्कोप कम है उसमें, तो एक इस टाइप का अप्रोच होगा, होगा डबल अप्रोच अवॉइडेंस. नेक्स्ट इज द पास्चराइजेशन मेथड ऑफ फीटिंग मिल्क टू 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स फॉलोड बाय सडन कूलिंग इज, तो ये क्या होगा, होगा होल्डिंग. नेक्स्ट इज बारबिकिंग अ कुकिंग मेथड इज फॉर्म ऑफ, तो ये बारबिकिंग मेथड है, कुकिंग की मेथड है, किस टाइप के फॉर्म में आती है, आती है ग्रिलिंग में. नेक्स्ट इज प्लानफुलनेस ऑर्डर एंड सिस्टमेटाइजेशन आर एसोसिएटेड विथ, तो ये आते हैं वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस में. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल फॉर सेकेंडरी री एनफोर्सर, तो सेकेंडरी री एनफोर्सर का एग्जाम्पल क्या है, प्राइजिंग द चाइल्ड ऑन कंप्लीटिंग टास्क. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61 द टर्म कल्चरल लैग वाज कॉइंड बाय, तो कल्चरल लैग का जो टर्म है किसके द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था विलियम ऑकबर्न के द्वारा. नेक्स्ट इज द असेसमेंट बाय चांस ऑफ इंटैक्ट ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट रेदर देन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट टू ट्रीटमेंट कंडीशन इज, तो ये क्लस्टर रैंडमाइजेशन. गाइज इस वीडियो के बाद है जो मैं नर्सिंग रिसर्च के अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाने वाली हूँ आप सभी के लिए. आई होप वो वीडियो भी आपको पसंद आएंगे, क्योंकि अभी तक जो भी नर्सिंग के पेपर हुए हैं उसमें भी जो रिसेंट में पेपर होते हैं एक्चुअल में उनमें रिसर्च के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी पर मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 63 द नर्स ऑब्जर्व द पेशेंट टू बी विथड्रॉ एंड क्राइंग एंड कॉन्वेज टू द पेशेंट दैट सी सीम्स टू बी सैड टूडे द इंटरव्यूइंग अप्रोच यूज हेयर इज, तो एक नर्स एक पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही है और किस चीज़ के लिए, कि वो विथड्रॉ की कंडीशन में है, क्राइंग कंडीशन में है और वो बहुत सैड दिख रहा है आज, तो ये किस टाइप के अप्रोच में आएगा, यह आएगा रिफ्लेक्टिंग अप्रोच में. नेक्स्ट ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी है जो बी लिम्फोसाइट्स से बनती है. नेक्स्ट इज द नर्सिंग एक्शन टू बी प्रमोटेड फॉर अ चाइल्ड विथ हाई लेवल ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज, तो आपका नर्सिंग एक्शन क्या होगा जब एक बच्चे का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर लेवल है वो बढ़ा हुआ है, हाई लेवल में है, इंक्रीज्ड है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो आप एज अ नर्स क्या पोजिशन उसको देंगे या फिर क्या आपका एक्शन रहेगा. Elevate head of bed to 20 degree and position child so as to maintain head is midline. Next is the nurse analyze data critically in the step of nursing process. दो जो data है वो nursing process में किस process में analyze किया जाता है, तो होता है diagnosis process में.
Next is the most appropriate nursing action for a newborn suspected to have tracheoesophageal fistula is. तो मेन नर्सिंग एक्शन आपका क्या होगा जब एक न्यूबॉर्न बेबी को ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला की कंडीशन सस्पेक्ट हुई है, तब आपका नर्सिंग एक्शन होगा प्लेस द बेबी इन प्रॉन पोजीशन विथ हेड एलिवेटेड एट 30 डिग्री. नेक्स्ट इज वाइल असेसिंग द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अ पेशेंट द नर्स परफॉर्म्स रोमबर्ग टेस्ट एज आई स्क्रीनिंग मेजरमेंट फॉर. तो रोमबर्ग टेस्ट का यूज़ है जो किसके लिए किया जाता है, होता है बैलेंस चेक करने के लिए. In which type of marriage the pairing of male and female is temporary and not bounded by rules and regulation. तो एक मैरिज का टाइप है जिसमें जो मेल और फीमेल है वो टेम्प्ररी पेयर में रहते हैं मैरिज के, बट उन पर किसी भी टाइप के बाउंडेशन रूल्स रेगुलेशन अलाउ नहीं होते. तो ये होते हैं सेंडेस मियन टाइप के, जैसे कि लिव इन रिलेशन. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70. द स्टेज ऑफ इंटरव्यू दैट एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट इज. तो कौन सी इंटरव्यू की स्टेज है जिसमें नर्स और पेशेंट की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, तो ये ओपनिंग स्टेज. नेक्स्ट पार्ट इसमें आया था जो स्टार्टिंग के 70 क्वेश्चंस थे, 70% पेपर आया था नर्सिंग के सब्जेक्ट से. नेक्स्ट में है जो 30 क्वेश्चन है, इसमें जीके के क्वेश्चन है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, ये सभी के क्वेश्चन मिला के आए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस है जनरल रीजनिंग का. इफ ब्लैक इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन, ब्राउन इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड. तो यहाँ पर कलर कोडिंग का क्वेश्चन आया था एक. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ब्लैक को पीला कहा जाए, पीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को ब्राउन और ब्राउन को ग्रीन, ग्रीन को ऑरेंज, देन ब्लड का कलर क्या होगा. तो ब्लड का कलर क्या होगा, वाइट. नेक्स्ट इज एन अनाउंस इन द बजट 2019 दोज अर्निंग रुपीज हाउ मेनी लैक विल नॉट हैव टू पे टैक्स इफ दे इन्वेस्टेड इन स्पेसिफिक सेविंग सच एज PF और PPF. तो 2019 में जो बजट आया था उसमें कितनी अर्निंग पर आपको टैक्स पे नहीं करना था यदि आपके पास आपने कुछ अपनी सेविंग्स के तौर पे यूज़ किया हो PF PPF में. तो जिनकी अर्निंग 6.5 लाख से 6.5 लाख हो उनको किसी भी टाइप का टैक्स पे नहीं करना था, 6.5 लाख पे. नेक्स्ट इज VLC मीडिया प्लेयर इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेयर. VLC स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर VLC का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वीडियो लाइन क्लाइंट. नेक्स्ट इज अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ड्रॉप ट्वाइस टू अ टोटल ऑफ 40% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस. द फर्स्ट ड्रॉप वॉज फ्रॉम ₹1000 टू 800. हाउ मच वॉज द सेकेंड ड्रॉप इन परसेंटेज में ही पूछा है एज टू शो द इफेक्ट ऑफ ओवरऑल ड्रॉप. तो यहाँ पर जो ओवरऑल ड्रॉप पूछा है वो कितना रहेगा, होगा 50%. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियंस ह्यूमंस एंड एशियन. तो इनमें कौन सा वेन डायग्राम अच्छे से रिलेशनशिप को शो कर रहा है, बेस्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है किनके बीच में, इंडियन ह्यूमन एंड एशियन के बीच में. तो ये थर्ड डायग्राम. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यह नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम OS का काम कौन नहीं करता, तो वह लोकस, यूनिक्स, लिनक्स और मैक OS, ये सभी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है. नेक्स्ट इज अ गुड वॉज मार्क्ड अप बाय 100% ओवर द कॉस्ट प्राइस. देयर आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 40% वेर अप्लाइड. वॉट इज द लॉस परसेंट. तो यहाँ पर लॉस परसेंट कितना आएगा, होगा 13.60%. नेक्स्ट इज फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर. फतेहपुर सीकरी को किस मुगल शासक ने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 0.123123123 इज कन्वर्टेड टू अ फ्रैक्शन. जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 41/333. नेक्स्ट इज एक महाविद्यालय में 4 वर्ष में 35% छात्र 1 वर्ष में और 20% छात्र 2 वर्ष में आते हैं. 3 वर्ष में छात्रों की संख्या 4 वर्ष से 2 गुनी होगी, जबकि 4 वर्ष में छात्रों की संख्या 1500 है. तो महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो महाविद्यालय में छात्रों की संख्या होगी 10,000. मेरा गाइस जो रीजनिंग है वो वीक है, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाऊँगी.
नेक्स्ट आया था सतारिया इज अ फेमस क्लासिकल डांस ऑफ, तो सतारिया है जो असम का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेंट डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ एन एमएस पावर पॉइंट लाइव, तो करेंट डिफॉल्ट एमएस पावर पॉइंट फाइल का क्या रहेगा, तो होगा पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ एटलांटिक ओशियन इज, तो डीपेस्ट ट्रेंच क्या है एटलांटिक ओशियन का, तो है प्यर्टो रिको फ्रेंच सॉरी ट्रेंच। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ डबल साइडेड सिंगल लेयर डीवीडी, तो डबल साइडेड सिंगल लेयर डीवीडी की कैपेसिटी साइज कितनी होती है, तो होती 9.4 GB। नेक्स्ट इज डीवीडी वाज इन्वेंटेड इन द ईयर, तो डीवीडी का आविष्कार किस सन में हुआ था, हुआ था 1995 में, 1995 में। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 98 decimal टू बाइनरी, 98 decimal को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद वॉज साइंड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड, तो ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद है जो साइन की गई थी रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम सेकंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द डिवाइस दैट लेज ऑन डेस्कटॉप एंड रिस्पॉन्ड टू प्रेशर, तो है टच पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड क्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC इज लोकेटेड इन, तो रिसेंट में कहाँ पर है, वियना में, इसके पहले कहाँ था, ये था जिनेवा में। नेक्स्ट इज आर्टिकल 29-30 डील्स विथ, तो आर्टिकल 29-30 किससे डील करता है, करता है राइट टू माइनॉरिटीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब्ड इन द विच लेयर राइजिंग इट्स टेम्परेचर टू 100 और एट टाइम्स 1000 ऑफ डिग्री, तो यूवी रेडिएशन है जो सन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं कौन सी लेयर के थ्रू से, थर्मोस्फीयर से। नेक्स्ट इज 1984, द ओरिजिनल HP लेजर जेट प्रिंटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग, तो प्रिंटर कमांड लैंग्वेज के तौर पे यूज किया गया था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो गाइज यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, और इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो मैंने छोड़े हुए हैं, जिन भी लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनके पास आंसर की भी होगी तो वो लोग अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, और इसके साथ ही जिन भी लोगों ने पेपर नहीं दिया है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहे, स्पेशली रिसर्च से लेके, रिसर्च के बहुत ही, मैं भी कह सकती हूँ कि थोड़े टफ क्वेश्चन आए हुए हैं रिसर्च के। जिन भी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।